साल की भांति इस वर्ष भी दीपावली से एक दिन पूर्व शहीद स्मारक भारत माता के मंदिर पर 11,000 दीपों को प्रज्वलित कर जनपद के संगठनों व सपूतों के साथ आम जनमानस सहित पत्रकारों ने भारत माता को नमन किया। इस कार्यक्रम में SDM सदर शशांक त्रिपाठी ने पहुंचकर दीपों को जलाकर वह माता के चरणों में फूल माला अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल चौहान गुट की टीम व भारत माता फाउंडेशन की टीम मौजूद रही। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष GP सिंह चौहान के नेतृत्व में पदाधिकारियों दीपों में तेल डालकर उन्हें रख कर उन्हें प्रज्वलित करते हुए शहीदों व भारत माता को नमन किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष GC सिंह चौहान, अवतार सिंह मोंगा, पीयूष मिश्रा, SK सोनी, अरविंद कैवट, अमर मौर्य, राजू यादव, OP चौबे, गीता गुप्ता, हरीश द्विवेदी सहित तमाम पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। वही कार्यक्रम को सफल बनाने में भारत माता फाउंडेशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष सहित सैकड़ों लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम में पहुंचकर सदर SDM शशांक त्रिपाठी ने इस कार्य को सराहनीय कार्य बताते हुए सभी को धन्यवाद दिया। सबसे पहले तो सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ये हमारा रायबरेली में एक अनूठा भारत माता मंदिर है। शहीद स्मारक समिति के द्वारा ये इसका प्रबंधन किया जाता है। तो समिति के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया पहल की गई यहाँ पर। बहुत सारे दिए यहाँ पर नदी के किनारे और भारत माता मंदिर के आसपास हमारे जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पर जलाए गए हैं। और बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक दृश्य आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो उसी कार्यक्रम में दीपदान के लिए मुझे बुलाया गया था, तो शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और श्रद्धा नमन देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सर, किसी संस्था द्वारा यहाँ पर किया जाता है या क्या कोई सरकारी व्यवस्था होती है क्या? यहाँ पर समिति जो है, यहाँ की जो समिति है उसी के द्वारा किया जाता है, भारत माता फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर समिति के सभी सदस्य उपस्थित हैं। नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इनके उनसे जो बात हुई है उसमें ये समझ में आया है कि जो हमारे नगर पालिका है और अन्य विभाग हैं जो कि इस क्षेत्र में कार्य करते हैं उनको भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, साफ सफाई की व्यवस्था में कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है। सर, सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं ना कहीं से भारत माता का मंदिर है और शहीद स्मारक भी है और कई उसमें पाठक स्थल में इसकी गिनती भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं दुर्दशा की हालत रहती है, तो इसके बारे में कुछ कहेंगे आप या इसके बारे में कोई प्रयास करेंगे? इसके बारे में जरूर नगर पालिका और RDO से बात की जाएगी। DM मैम के संज्ञान में भी इस बात को रखा जाएगा कि थोड़ी सी व्यवस्था यहाँ पर बेटर बनाई जाए। पिछले दिनों यहाँ पर एक पार्क का शुभारंभ पिछले DM साहब के द्वारा किया गया था, वो बहुत ही अच्छा है। इसी तरह की पहल यहाँ पर और थोड़ा सा की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ थोड़ी साफ सफाई पर ध्यान देने से और बेहतर चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। परिचय बताइए अपना। मैं पंकज कुमार तिवारी जी, एडवोकेट, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी जी। आप दीपावली धनतेरस के अवसर पर जनपद वासी को क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे? हम अपने सभी जनपद वासियों को, अपने सभी इष्ट मित्रों को, अपने सभी साथियों को दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार और उनका उन्नति हो।